अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वीक 12 का लेक्चर 1 करेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से, जिसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर 6 शुरू किया था। ठीक है, अच्छा जी, सैम्पलिंग में या जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट कि हम हर कैपिटल टी सेकंड्स के बाद इस सैम्पल की इस सिग्नल का एक सैम्पल उठाएं। ठीक है, अच्छा, और फिर मैथमेटिकली दिस बिकम्स इक्वल टू एक्स ऑफ एन। तो एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज एक्स ऑफ एन टी सच दैट टी इज इक्वल टू एन टी, और मैथमेटिकली फिर ये एक्स ऑफ एन के इक्वलेंट होता है। अच्छा, अब हमें चूंकि टाइम डोमेन में देख कर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि हमने टी क्या रखना है या फिर कितने ड्यूरेशन के बाद हमें एग्जांपल उठाना चाहिए, तो इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए या इसका जवाब लेने के लिए फिर हम इन दोनों सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं, या फिर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, अब आपकी बुक में प्रॉब्ली पेज 388 जो रॉकेस की बुक का 4th एडिशन है उसमें एक फिगर दी हुई है, उसको आप ज़रा देखने की समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ और फिर हम उस इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव की थी। अच्छा, अब सिचुएशन हमारे पास कुछ यूँ है कि एक हमारे पास यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल है, ठीक है, विच इज़ कंटिन्यूस इन टाइम, और एक्स टी हम उसे कहते हैं, और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो लेट्स अज्यूम इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्स ऑफ ओमेगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि हमें इस सिग्नल को देख के नहीं पता कि हमने इसको कितने ड्यूरेशन के बाद हमें इसके सैंपल्स उठाने चाहिए, लेकिन लेट सपोज कि हमें कैपिटल टी सैम्पलिंग टाइम सेलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक इस सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं, तो दिस इज स्टिल टी, लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह का जो सिग्नल है ना वो आ गया, लेट मी कॉल इट एक्स ऑफ एन टी। ठीक है, अच्छा, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर टाइम डोमेन में सैम्पलिंग से इस डोमेन में क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा, फिलहाल मैं इसका जो एक्स एक्सिस है ना उस पर ओमेगा ही लिखूंगी, हम यहाँ पर लोअर केस ओमेगा भी लिख सकते हैं। आज हम लोगों ने थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करनी है कि अगर मैं इधर कैपिटल ओमेगा रखूं तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। वैसे तो खैर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल भी की थी, अगर मैं स्मॉल ओमेगा यूज़ करूँ एक्स एक्सिस पे तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब प्लॉट करते हैं एक्स ओमेगा, बिकॉज अब दिस इज़ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम एक्स ओमेगा कहेंगे। अच्छा, अब एक्स ओमेगा कुछ इस तरह से बनता है कि एक्स ओमेगा यानी कि एक्स ऑफ लोअर केस ओमेगा कि ये एक्स ऑफ अपर केस ओमेगा की रेप्लिकेटेड कॉपीज मिलती हैं हमें यहाँ पर, सच दैट के हर कॉपी जो है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज ओमेगा एस। ठीक है, यहाँ ये ओमेगा एस हो गया, ये तो है ज़ीरो था, नहीं ये माइनस ओमेगा एस, ये ओमेगा एस एंड सो ऑन। ठीक है, और हर कॉपी जो है वो बेसिकली 1/t के फैक्टर से मल्टीप्लाई भी होगी। अच्छा, और फिर हम फर्दर इस इंफॉर्मेशन को मतलब इसी को हम एक्स ऑफ एन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी सी रखता है ना, ये हमारे पास मतलब सैम्पलिंग का स्टेप आता है, क्वांटाइजेशन के बाद फिर हम इसको
सिंपल एक्स ऑफ एन कह देते हैं। इसकी शक्ल सूरत लगभग वैसी होती है, मतलब आपको पता है कि क्वांटाइजेशन के स्टेप में हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका जो है ना स्पेक्ट्रम वो तकरीबन इसी शक्ल सूरत का रहता है उसमें, क्योंकि एम्पलीट्यूड में थोड़ा थोड़ी बहुत वेरिएशन है ना, ये तो कुछ ऊपर नीचे हर सैम्पल अपनी जगह से हो जाएगा, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है उसकी शक्ल में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखे ना हमें अंदाज़ा होता है कि मतलब स्पेक्ट्रम की रिलेशनशिप में देखे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें कैपिटल टी एक्चुअली क्या लेना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा रुकते हुए, यहाँ पे रुकते हुए मैं ये बताना चाहूँगी, कल हम लोगों ने इसकी जो इक्वेशन है ना, कल हम लोगों ने वो डिराइव की थी कि ये वाला जो सिग्नल है हमारे पास, ये इस सिग्नल से कैसे आता है, और हम लोगों ने डिराइव ये किया था कि एक्स ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू एक्स ऑफ कैपिटल ओमेगा माइनस के इनटू ओमेगा एस। ठीक है, फिर ओमेगा एस इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और ये रिलेटेड है सैम्पलिंग टाइम से इस तरह से, तो जितना सैम्पलिंग टाइम कम होगा उतना ओमेगा एस ज़्यादा होगा। ठीक है, और मतलब ये जो रेप्लिकेटेड कॉपीज है ये दूर दूर बनेंगी, और ये हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सम्स हैं इसके, और हर कॉपी जो है 1/T से मल्टीप्लाई होके मिलती है हमें। तो और एक चीज़ और हम लोगों ने जो फाइंड आउट की थी या एटलीस्ट नोटिस की थी, अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास किसी भी सिग्नल में ओमेगा एच है तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा एच। ठीक है, ताकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर या इस रीजन में ओवरलैपिंग जो है वो ना हो। ठीक है, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एच का जो डिफरेंस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा एच। ठीक है, तो जब हम टाइम डोमेन में ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि कैपिटल टी क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन के जो इसके सिग्नल्स हैं ना, इन के इन एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन के जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स बनते हैं उनको देख कर या उनको रिलेट करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था कि बेसिकली जो टी है सैम्पलिंग इंटरवल वो हम डिसाइड हमें करना चाहिए एक्स ऑफ टी की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी सी चैप्टर नंबर 1 में भी देखी थी। तो ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, और कुछ नतीजे हम लोगों ने निकाले थे जिसमें से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ओमेगा एच जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स टी, ओमेगा एस इज सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी विच वी चोज, और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ी थी कि 2 × ओमेगा एच इज नाइक्वेस्ट रेट। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल रेट जिससे कम नहीं होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और की थी, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिस वक्त ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती तो उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं। जिस वक्त हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाते हैं वो तो बन जाता है, लेकिन डिस्क्रीट से वापस कंटिन्यूस जाने में इंफॉर्मेशन बहुत हद तक चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, अब ओके, सैम्पलिंग तो हमें करनी आ गई, अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, जो इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास आती है ना वो ये है कि वाई ऑफ टी जो कि हम एक्स ऑफ एन से बनाते हैं, मतलब हम लोगों ने जो यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वापस बनाना है, एक्स ऑफ एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक फंक्शन से विच वी कॉल्ड इंटरपोलेशन फंक्शन। ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन फंक्शन। और मतलब ये एक पल्स या एक सिग्नल होगा जो कि एक्टिव होगा जिस वक्त एक्स ऑफ एन का कोई सैम्पल हमें मिलेगा। ठीक है, और इस ये वाला जो फंक्शन है ना ये बेसिकली डिसाइड करेगा
कि एक्स ऑफ एन के जो दो कंजेक्टिव सैंपल्स हैं उनके दरमियान टाइम को किस तरह से फिल इन करना है। ठीक है, इस सिग्नल की जो शक्ल सूरत होगी वो ये डिसाइड करेगी कि एक्स ऑफ एन के जो दो कंजेक्टिव सैंपल्स हैं उनके दरमियान कैसे फिलअप करना है सच दैट कि हम एक्स ऑफ एन से वाई ऑफ टी तक पहुंच जाएं। क्योंकि जब तक डिस्क्रीट सैंपल है तब तक तो ऑफकोर्स है एक्स ऑफ एन रहेगा, लेकिन जब हम उन दो सैंपल के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है उसको भर देंगे, ठीक है, तो वो फिर एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बन जाएगा विच वी कॉल वाई ऑफ टी। अच्छा, अब चूंकि ये एक्स ऑफ एन के जितने भी सैंपल्स हैं हमारे पास, हर सैंपल के ऊपर एक पल्स जनरेट होती है और वो फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करती है, तो यहाँ पर हम एन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेंगे या जितने भी सैंपल्स एक्स ऑफ एन में हैं। जनरली क्वेश्चन लिखने के लिए ऑफ कोर्स एन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी हम एग्जांपल देखते हैं कि जो हाँ पर्सेंट इंटरपोलेशन फंक्शन है या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है या सॉरी रिकंस्ट्रक्शन सिग्नल है ये किस किस तरह का हो सकता है। वैसे एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन या सिग्नल जीरो ऑर्डर होल्ड, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा, जीरो ऑर्डर होल्ड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसको जिसको बेसिकली एक्स ऑफ एन के सिर्फ करंट सैंपल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जो पल्स जनरेट होगी एक्स ऑफ एन के गिवन सैंपल के साथ वो कुछ इस तरह से होगी कि वन सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टी, ठीक है, और जीरो अदरवाइज। ठीक है, अब इस पल्स की इस सिग्नल की अपनी वैल्यू वन है, इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन का जो भी सैंपल यहाँ पर जनरेट होगा जिस एम्पलीट्यूड का, तो वो पल्स के वन के साथ मल्टीप्लाई होकर बेसिकली पल्स वो वैल्यू पे होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है, इसी से हम एग्जांपल एक देखते हैं। कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन कुछ इस तरह से है ठीक है, तो इस रिकंस्ट्रक्शन सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होने से होगा क्या, जैसे अब ये सैंपल जब जैसे अपीयर हुआ या जनरेट हुआ, ठीक है, इस सैंपल की मल्टीप्लिकेशन होगी इस सिग्नल के साथ, तो ये सिग्नल बेसिकली इसको होल्ड करेगा इस वैल्यू को। अच्छा, अब यहाँ तक उसने मतलब उसने होल्ड करना है इसको फॉर दिस मच टाइम, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम के बाद नेक्स्ट सैंपल जनरेट हो जाएगा, तो वो फिर इस वैल्यू को होल्ड करेगा। उसके बाद ये जब सैंपल आया तो इस वैल्यू को होल्ड करेगा, फिर इस वैल्यू को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्स ऑफ एन जो है वो वाई ऑफ टी में कन्वर्ट मतलब इस तरह स्टेयर केस के तौर पे होगा जिस वक्त हमारे पास जो सिस्टम है वो एक जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम है, और जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम में जो इस्तेमाल होने वाला सिग्नल है रिकंस्ट्रक्शन सिग्नल या इंटरपोलेशन फंक्शन वो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और इसको लीनियर इंटरपोलेटर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड या लीनियर इंटरपोलेटर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में जो सर्किट इटसेल्फ है या जो पल्स है वो दो सैंपल्स इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, एक करंट या प्रेजेंट सैंपल और एक प्रीवियस सैंपल, तो दो सैंपल्स की इंफॉर्मेशन होती या रिक्वायर्ड होती है उस पल्स को, या दो सैंपल्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो पल्स जनरेट होती है। ठीक है, और वो फिर फिल इन करती है दो कंसेक्टिव सैंपल के दरमियान टाइम ड्यूरेशन को। इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, और इसको हम कह सकते हैं, और दिस वुड बी जीरो अदरवाइज। तो ये अगर आप देखो तो एक ट्रायंगुलर फंक्शन की तरह की इसकी इक्वेशन है। तो हमारे पास अगर एक्स ऑफ एन
इस तरह का हो, ठीक है, जो हम एग्जांपल यहाँ पे ली थी। तो लीनियर इंटरपोलेटर या फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिस्टम से गुजारने के बाद ये कुछ इस तरह से वाई ऑफ टी के तौर पे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इंटरपोलेटर इस्तेमाल होता है विच वी कॉल्ड पैराबोलिक इंटरपोलेशन, ठीक है। और ये बेसिकली एक फोर्थ ऑर्डर होल्ड सिस्टम है, फोर्थ अगर, अच्छा, अब ये चूंकि फोर्थ ऑर्डर होल्ड सिस्टम है तो इसको या इसके पास पांच पल्सेस की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्रेजेंट के अलावा फोर प्रीवियस पल्सेस की इंफॉर्मेशन भी उसके पास होगी, और वो उन सारे पल्सेस के एम्पलीट्यूड को देखते हुए उनके दरमियान जो है वो सिग्नल को जनरेट करेगा या गैप को फिल इन करेगा। और इसकी जो हमारे पास पल्स की शक्ल बनती है ना, मतलब पैराबोलिक इंटरपोलेटर में जो जी आर टी, अच्छा, जी आर टी को इक्वेशन वाइज हम यू लिखते हैं इस तरह से, एट टी इज इक्वल टू, अच्छा टी को, टी एस तो नहीं, सैम्पलिंग टाइम को हम यू टी के तौर पे लिखते हैं, और प्लस माइनस 2s। ठीक है। अच्छा, और जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, हर दो सैंपल्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है उसको फिल इन किया जाता है एक पैराबोला से। तो अगर आप नोट करो तो ये हमारे पास जीरो के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग चार टाइम इंस्टेंट्स हैं इनके ऊपर एग्जैक्टली 0 है। अच्छा, अब उसे होगा यूं कि अब थोड़ा सा इसको ट्रिकी है समझना, लेकिन लेट अस ट्राई। ये हमारे पास जब ये वाली पल्स जो है वो जनरेट हुई, ठीक है, या इस पैराबोलिक इंटरपोलेटर को हम लोगों ने इनपुट पे ये वाला सिग्नल दिया। अच्छा, अब इसकी वजह से कुछ इस तरह का सिग्नल जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जब ये वाली पल्स मिलेगी इंटरपोलेटर को, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है ना, तो कुछ इस तरह की पल्स जो है वो जनरेट होगी। जीरो की वजह से तो जाहिर सी बात है कि जीरो ही रहेगा सिग्नल, और जो अगला सैंपल है इसकी वजह से ये पल्स जो है ना वो जनरेट हुई, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अगर यहाँ पर स्मॉल एम्पलीट्यूड था तो मतलब आप रेड कलर की पल्स देख सकते हो, और अगर थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड था तो पल्स एम्पलीफाई हो गई, और अगर नेगेटिव था तो वो उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, अब होता यूं है कि हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर अगर आप देखो तो बेसिकली जो पल्सेस है ना वो तो जीरो होंगी, ठीक है, हर सैम्पलिंग टाइम के ऊपर। अच्छा, और अगर हम मतलब दो कंसेक्टिव पल्सेस के दरमियान में या दो कंसेक्टिव सिग्नल्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, तो यहाँ पर हमें तीन, यस, हमें तीन पल्सेस मिलेंगी। अच्छा, और फिर इन तीनों को एडअप करने से हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा। तो कुछ अंदाजन जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा हमें
वो कुछ इस तरह से मिलता है, अप्रोक्सीमेट, तो थोड़ी सी मतलब उसकी कर्वी सी शेप होती है और अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, मतलब हमें इस ये जो दो कंसेक्यूटिव पल्सेस हैं, लेट सपोज कि यहाँ पर एक ये हमारे पास पल्स है, यहाँ पे जो भी इसकी यहाँ पे जो भी पल्स होगी, इनके दरमियान में जो जितने भी पल्सेस अपीयर हो रही है ना, ये सब इन सब के एम्पलीट्यूड जो हैं वो बेसिकली एडअप होंगे और इस टाइम ड्यूरेशन में हमें वो वाला सिग्नल मिलेगा जो हर पॉइंट पे इन तीनों पल्सेस को ऐड करके मिल रहा है। ठीक है, और हमारे पास कुछ रिजल्टेंट सिग्नल जो है वो इस तरह का आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ आपको देख के पता चल रही होगी कि हम इंटरपोलेटर्स में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएं, मीनिंग के नंबर ऑफ अवेलेबल सैम्पल्स, जैसे कि पैराबोलिक इंटरपोलेटर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 सैम्पल्स की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएं अपने नंबर ऑफ अवेलेबल सैम्पल्स, हो जाहिर सी बात है कि उतना सिग्नल बेहतर रिकंस्ट्रक्ट होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मसले वाली बात ये भी है कि फिर हमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हमें मतलब पहले 5 वैल्यू स्टोर करनी पड़ेंगी और फिर हम उनको दो कंसेक्यूटिव सैम्पल के दरमियान में टाइम को फिल अप कर सकेंगे। तो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट तो बेहतर होगा, लेकिन उसका फिर नुकसान ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें स्टोरेज उसके लिए ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अब यहीं से ना पैराबोलिक इंटरपोलेटर से ही आगे जाते हैं और आइडियल इंटरपोलेशन देखते हैं कि अगर हम आइडियल इंटरपोलेशन कर सकें, जो कि जाहिर सी बात हम नहीं कर सकते, तो वो किस तरह की होगी। अच्छा, उसके लिए हमारे पास जो हम लोगों ने स्टार्ट में फॉर्मूला लिखा था वो कुछ था इस तरह का, n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स ऑफ एन जी आर टी माइनस एन टी। अच्छा जी, दोनों तरफ हमने अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ ओमेगा अच्छा जी, ओके ये वाला जो हमारा सिग्नल है ना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, हाँ ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओमेगा और टी का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल ओमेगा या लोअर केस ओमेगा के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब इधर हमारे पास जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है वो है वाई ऑफ ओमेगा। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा, अब आपको पता है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उनके जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हम लोगों ने इसको एक शुरू की एक स्लाइड में बना के देखा भी था। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मतलब ये स्पेक्ट्रम अवेलेबल है और जो कि इस तरह का है। ठीक है, और यहाँ से हम वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आइडियली जो पल्स है या जो आइडियल हमारे पास इंटरपोलेशन फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसको बेसिकली एक
ब्रिक वॉल सिस्टम की तरह का होना चाहिए, जो हमें या बड़ी सफाई के साथ जो ये चीज़ है ना ये निकाल के दे दे, ठीक है, जो दरमियान वाला पोर्शन था जो कि ओरिजिनल ओरिजिनली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम था, और सैम्पलिंग की वजह से उसमें और बहुत सारी कॉपीज जनरेट हो गई थी, तो हम ये वाला पोर्शन जो है ना ये चाह रहे हैं कि हमें मिले। तो अब हम लोगों ने जी आर ओमेगा कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है। ओके, तो जी आर ओमेगा क्या होना चाहिए, इट शुड बी बेसिकली 1, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर ओमेगा एस बाई 2। अच्छा, बल्कि एक और चीज़ है, क्योंकि इसका अगर एम्पलीट्यूड आप देखो ना, तो वो दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/t, तो इसको हमें टी कहना चाहिए, ताकि ये टी जब इस 1/t से मल्टीप्लाई हो तो मतलब सिग्नल हमें उसी एम्पलीट्यूड के साथ मिल जाए जिस एम्पलीट्यूड में ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और हम लोगों ने उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाना है, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमें सिग्नल को हर जगह 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक आइडियल इंटरपोलेटर का जो स्पेक्ट्रम है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप बिल्कुल देख सकते हो कि मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो आसानी के साथ कि इसका जो स्पेक्ट्रम है आइडियल इंटरपोलेटर का वो ये बनता है, ठीक है, मतलब माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर ओमेगा एस बाई 2 तक। अच्छा, अब इस तरह की क्वेश्चन का जब हम टाइम डोमेन सिग्नल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास एक सिंक फंक्शन बनता है, ठीक है। ये आप लोगों ने सिंक फंक्शन को बहुत दफ़ा देखा होगा SNS में। अच्छा, और आपको ये भी पता होगा कि सिंक फंक्शन जनरेट करना वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिंक फंक्शन है उसको एक तो वो एक एक नॉन कॉजल सिग्नल है, उसको जनरेट ना कर पाने की सबसे बड़ी रीजन, ठीक है, और ये डाई डाउन तो होता जा रहा है लेकिन ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन कॉजल सिग्नल है। दूसरा, इसको इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अब ये आइडियल बेसिकली कहलाता ही इसलिए है कि एक ये परफेक्टली जनरेट कर सकता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, लेकिन उसकी एक ऑफ कोर्स रीज़न है कि इस आइडियल इंटरपोलेटर की जो पल्स है उसको या जब उसको जब हम जनरेट करते हैं तो उसको बेसिकली इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि जितने भी सैंपल्स उस सिग्नल में मौजूद हैं उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर इस तरह का सिग्नल मतलब होगा और सारे वो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर यानी कि जब उसको जैसे भी उसको जिस वक्त भी जो भी सैंपल इनपुट में मिलेगा उसको और नेक्स्ट सैंपल को फिल अप करने के लिए उसको सारे के सारे 5 सैंपल्स चाहिए होंगे, तो एक तो उसको एनर्जी सॉरी उसकी मेमोरी जो है वो इनफिनिट रिक्वायर्ड होगी, और दूसरा जाहिर सी बात है कि वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक परफेक्ट सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकता है या परफेक्ट फिलअप कर सकता है बिटवीन सैम्पल्स। तो लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकली अनरियलाइजेबल है, इस तरह की पल्स जनरेट करना भी और इनफिनिट अमाउंट ऑफ मेमोरी किसी सिस्टम की डेवलप करना भी, तो इसलिए आइडियल इंटरपोलेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास थोड़ी सी वो होती है, मतलब हमें देखना पड़ता है कि हम कितना कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, प्लस उसमें एक तो कॉस्ट जाहिर सी बात है जितने कम सैंपल्स रिक्वायर्ड होंगे जैसे 0 ऑर्डर होल्ड हो गया, 1st ऑर्डर होल्ड हो गया, वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे लेकिन वो इतना अच्छा फिलअप नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा इसको कॉस्टली बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें फिर थोड़ा सा उसमें डिले का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है, और कल इसके आई मीन इसके बाद के जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम थोड़ा सा ये देखेंगे
ये जो हम लोगों ने मतलब सैम्पलिंग करना सीखा ना, अभी तो खैर हमने सैम्पलिंग भी सीख ली और रिकंस्ट्रक्शन भी सीख ली, कि सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन के दरमियान में, यानी कि जिस वक्त सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अवेलेबल है, वाई वुड वी वॉन्ट टू डू दैट? हम सिग्नल को कंटिन्यूसली जब डिस्क्रीट में लेके आते हैं तो क्या एडिटिव एडवांटेजेस हैं जो कि हम वहाँ पर उस सिस्टम के साथ उस सिग्नल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बिफोर कन्वर्टिंग इट बैक इनटू अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल? ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह अगले लेक्चर का टॉपिक होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.